साथ एक बच्ची है दीप्ति शर्मा, उनसे बात करते हैं कि उन्हें एक अवार्ड मिला है, वो अवार्ड कैसे मिला, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। दीप्ति, सबसे पहले तो हमारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। दीप्ति, आप ये बताइए कि आपको जो अवार्ड मिला, कैसे मिला, आपने क्या किया? ऑनलाइन ये अवार्ड हुआ था लिटरेरी मिरर और लिटेरियन साइड की तरफ से, जिसके लिए देश भर से बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी बुक्स को सेंड किया था। मैंने अपनी दो बुक्स भेजी थी, जिनमें से मेरी पहली बुक लिटनी ऑफ बुक्स को ये अवार्ड मिला जी। तो अवार्ड के लिए बस ये था, बहुत ही प्रेस्टीजियस जूरी थी हमारी, वोटिंग्स हुई थी एंड उसके बाद आई वाज लकी कि पहला अवार्ड मिला। करना तो कुछ नहीं था, बस अपनी बुक सेंड करनी थी। नहीं, आपने जब अपनी बुक यहाँ से भेजी तो आपको पहले ये विश्वास था कि अपना नंबर आ जाएगा? पहले तो नहीं था, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर ऑथर्स की बुक्स थी, बहुत सालों से जो लिख रहे हैं उनकी बुक्स थी, तो वो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर जब मेरी बुक टॉप 10 में थी तब मैंने कह दिया था कि मेरी बुक ही फर्स्ट आएगी, ये मैंने कहा था। नहीं तो आपकी बुक टॉप 10 में आई, तो ये आपको लिखने की बुक लिखने की प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिली? दूसरा ऑथर्स को पढ़ती, बचपन से बुक्स पढ़ने का, स्टोरीज पढ़ने का सपना था, थोड़ा घर में माहौल भी मुझे वैसा ही मिला, मेरे पेरेंट्स बहुत बुक्स पढ़ते थे, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और ऐसे ही लिखती। तो दीप्ति, हम आपसे आगे ये पूछना चाहें कि आपको जो ये अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड कैसे मिला, कितने रुपये होते हैं, क्या कुछ होता है, इसके बाद थोड़ा विस्तार से बताएं जो आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। ये लिटेरिया इंसाइट और लिटरेरी मिरर हर साल लिट डिजिटल अवार्ड्स करके एक अपना एक अवार्ड ये करते हैं, और उसमें जो प्राइज मनी है पिछले साल के बजाय इस बार डबल था। 50,000 वॉज द फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज था 30,000 एंड थर्ड था 20,000। उसमें उन्होंने बेस्ट फिक्शन बुक्स ऑल ओवर इंडिया से, अबव 18, कोई एज लिमिट नहीं थी, सारे ऑथर्स की बुक्स को इन्वाइट किया। उनमें से जो बेस्ट बुक लगी थी, डिफरेंट डिफरेंट जूरी मेंबर्स ने उनको 2-3 महीने के लिए एक्सेस किया था, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ के रिजल्ट्स दिए थे। तो बहुत सारी मैगजीन्स में आर्टिकल्स आए थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए थे, ये सब उन्होंने एज अ अवार्ड के साथ साथ उन्होंने। इस समय आपके हौसले सातवें आसमान पर है, तो आपको जो अवार्ड मिला, अब आगे आपने क्या सोचा? आगे बस मुझे राइटिंग में कंटिन्यू करना है, कुछ ऐसी स्टोरीज लिखनी है जो समाज में एक डिफरेंस क्रिएट करे, जैसे मेरी इस बुक में हुआ है। और एक जो लोगों के बारे में ये होता है कि अगर आप सीरियस बुक्स लिखते हो तो आपको रीडर्स नहीं मिलते, वो चीज़ मतलब एक भ्रम जो होता है नए ऑथर्स में, वो इस अवार्ड की वजह से टूटा है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके दिल में जो स्टोरी है वो आप लिखिए, और इसी तरह का कॉन्टेंट मैं क्रिएट करना चाहूँगी। आपने जो स्टोरी लिखी, बुक लिखी, तो लिखने के अलावा और भी पढ़ाई में आप क्या कुछ कर रही हैं इस समय? मैं जॉब कर रही हूँ, मैं GMAT GRE के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाती हूँ जी, और एक फुल टाइम जॉब के होते होते मैंने साथ में ये किया है, और मैं आगे भी इसी कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो इसमें घर की तरफ से मान के चले तो किसका बड़ा योगदान मानते हो आप इसमें? मेरे माता पिता का तो बहुत बड़ा योगदान है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही सक्सेसफुल अपने फील्ड में रहे हैं, और इसके बाद भी मुझे जो करना था उसकी फ्रीडम देना, छोटे मोटे अचीवमेंट्स पे खुश होना, फेलियर्स पे मेरे को बहुत सपोर्ट करना, एक बॉल की तरह सपोर्ट उनका हमेशा रहा था। इसके अलावा उनका दिमाग मुझे मिला है, बहुत इंटेलिजेंट है वो, बहुत ही काइंड हार्टेड, सिंपल, लविंग और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तीसरा, मेरे घर का माहौल, बचपन से बुक्स पढ़ने के लिए इंकरेज करना और अच्छी चीज़ें सिखाना दूसरे लोगों से। जब हमारे घर में डिस्कशंस होते थे तो कभी भी ये नहीं डिस्कस होता था कि लुक्स में कैसा है या पैसे में कैसा है, पॉपुलर कितना है, हमेशा वो कितना रिस्पेक्टफुल है, वो कितना डाउन टू अर्थ है, वो कितना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा है, ऐसी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो एक वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और ये जो पर्सनालिटी आज मेरी डेवलप हुई है वो उनकी वजह से। जो इस समय आपको देख रही हैं, जो इच्छुक है, राइटर है, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहूँगी? यही कि अपनी स्टोरी में बिलीव कीजिए, अपने फेथ रखिए अपने टाइम पे। लाइक मेरी बुक मैंने 2017 में स्टार्ट की थी और 2020 में पब्लिश हुई, पर आज अगर इस बारे में बात करें आप यहाँ हैं तो अच्छा ही हुआ। तो इस चीज़ से ना घबराएं कि मुझे बेस्ट पब्लिशर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मुझे शायद 20 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, और उसके बाद भी अपनी स्टोरी पे फेथ था, गॉड की टाइमिंग पे फेथ था, तो सब चीज़ें अच्छी ही हुई। आप अपनी स्टोरी पे फेथ रखिए, अपने आसपास लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए,
और अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे कितने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, कितना अच्छा पब्लिशर हो, गारंटी नहीं है सक्सेस की। तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल। तो दीप्ति, आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस समय हमारे साथ दीप्ति शर्मा के पापा जी और माता जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपकी बच्ची ने जो अवार्ड जीता, इसके बारे में आप कहना चाहें। सर, जो ने ये वस्तुतः बहुत बड़ा अचीवमेंट ही मानता हूँ कि राष्ट्र स्तर पे मेरी बच्ची ने, जो कि अभी 2 साल से ही मानो लेखन का काम करने लगी है, जबकि देश में नेशनल लेवल पे बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनके बीच में इसने कंटेस्ट किया और इसको फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया, ये वस्तुतः भगवान का आशीर्वाद है और इस बच्ची की मेहनत है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, आप भी एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो जी, तो आपने बच्ची को जो अभिभावक है और खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर डालना चाहते हैं, तो आपने ये इसमें कैसे? वो एक्चुअली क्या कि मैं भी जो संस्कृत डिपार्टमेंट में, और संस्कृत लैंग्वेज का थोड़ा सा मेरे को भी बड़ा लिखने का, पढ़ने का, बोलने का बड़ा शौक है, तो घर में थोड़ा माहौल, मैं भी जगह जगह वो भाषण वाषण देता हूँ तो बच्चे प्रेरित हुए। वैसे इसने बीटेक की अंग्रेजी में, तो हम तो सोच रहे थे कि भाई बीटेक के बाद जो है कोई दूसरी प्रकार का जॉब करेगी, लेकिन इसने बीटेक के साथ साथ ही लेखन में बड़ी रुचि रखी और इस प्रकार से लेखन में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि है। जी जी। तो चूँकि मोटिवेशन तो जो है कि बेटा लिखो, जो ना अगर ऐसी बात है तो लिख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यदि आप समाज को कोई मार्ग दिखा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसने जो अभी इसमें अपने उपन्यास में जो सब्जेक्ट लिया उसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पसंद किया गया। अभी रामायण की मंथरा और एक दूसरे अभिनेता, उनके साथ भी जो उन्हें प्राइज देने वाली संस्था ने इसका इंटरव्यू कराया, उन्होंने भी उसकी विषय वस्तु को लेकर के और बहुत अच्छा इंस्पायरेशन हमको दिया, मोटिवेशन दिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट का बहुत अच्छा चुनाव किया। आगे दीप्ति शर्मा की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारा न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपने बच्ची को क्या खिलाते हो कि उनकी लेखन में इतनी अच्छी रुचि हो गई? सर, मेरा क्या है कि हर टाइम सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित, टाइम से उठो, टाइम से सो, टाइम से खाओ और पढ़ो लिखो, ये बचपन से ही इसकी आई क्यू बहुत अच्छी थी, तो मैं सोचती थी कि आगे जा कर के बहुत अच्छे अचीवमेंट अंगेज करें, मतलब ये इसको, मेरे को शुरू से लगता था कि बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। इसको बीटेक करवाया, इसकी इंग्लिश नहीं, हिंदी भी इसकी बहुत अच्छी है। बचपन में भी जब पढ़ते थे, जिस दिन हिंदी का पेपर होता बच्चे हमारे आराम से सोते थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी से घबराते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आराम से कि कल हिंदी का पेपर है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि ये किसी अधिकारी पद पे जाए, लेकिन इसने साथ साथ ये चुना, तो मैं सोचती थी ये यूँ ही अपना टाइम पास करती है, पर ये लिखती रहती थी जब भी टाइम मिलता, तो फिर इसको ये अवार्ड मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी जो इच्छा थी उसके विपरीत क्या, लेकिन इसकी अचीवमेंट देख करके मैं इसका भाई बहुत ही इसको मेरे को अच्छा लग रहा है और इसको हार्दिक इसका आशीर्वाद देती हूँ। ये थे जी दीप्ति शर्मा के माता पिता हमारे साथ। जब बच्चा नई बुलंदियों को छूता है, कामयाबी हासिल करता है, तो माता और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी प्रकार देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। नमस्कार।